कनिष्का एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पहाड़ी जागर। मुझे पता है कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने जागर कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी अपनी लाइफ टाइम में, लेकिन क्या आपने कभी पहाड़ी जागर देखा है? वेल, आज मैं आपको पहाड़ी जागर दिखाने वाली हूँ। आज बहुत ही बड़ा जागर लगने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले कुछ 2-3 दिनों से भी जागर लग रहे हैं, लेकिन वो इतने बड़े जागर नहीं थे जितना ये वाला है। सो आज पूरी रात भर जागर चलेगा और गांव-गांव से लोग आ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ इस जागर में शामिल होने के लिए। कल जो है जिन पे देवता आता है वो हरिद्वार गए थे कल, तो हरिद्वार के लिए निकले थे और आज उन्होंने वापस आना है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द गांव जो है वहाँ सड़क पे जा रखा है उनका स्वागत करने के लिए। और ये जो है हमें बिना चप्पल जाना होता है स्वागत करने के लिए, तो बहुत ही चुभता है पैरों में, इसीलिए मैं नहीं गई। और जो लोग नहीं जाना चाहते थे वेलकम करने के लिए, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर सारे के सारे हैं, तो वो यहीं से वेलकम करेंगे। और जो लोग जा सकते थे तो वो नीचे सड़क पर जा चुके हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो अभी जब वो आएंगे तो बहुत ही धूमधाम से आएंगे, और जब यहाँ पर आएंगे तो उन्हें पूजा जाएगा और उनकी आरती की जाएगी और फिर बचाया भी जाएगा पूरे रात भर जागर चलेंगे। सो मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तबे मैं आपको बता दूं कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए कहाँ चढ़ रखी हूँ। ये देखिए, यहाँ से आई थी मैं। पहाड़ में ना कोई ऐसी सीढ़ियाँ टाइप नहीं होती छत पे चढ़ने के लिए, ऐसे यहाँ से चढ़ करके जाना होता है, और सीढ़ियाँ होती है तो देखो कैसी होती है। देखो इस सीढ़ियों से चले जाओगे आप, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, पर फिर भी आई मम्मी रिकॉर्डिंग के चक्कर में चले गई थी। अब यहाँ से नीचे उतरूँगी कैसे मैं, मम्मी बोल हेलो। हेलो हेलो। बहुत ही डरावना है। हाँ। नहीं नहीं, ये इसमें तो जा लूंगी, लेकिन उस वाली में बहुत डर लगता है। ये देखो माँ चढ़ी थी मैं वहाँ। तो बताइए आज आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा माता आ रही है। हाँ, तो आप नंगे पैर नीचे क्यों नहीं गए? हम बुड्ढी हो गए ना। अच्छा, अच्छा घुटनों में दर्द हो रहा है। आप किस चीज का वेट कर रहे हो, खाना या माता? माता के, माता के। आप खाना या माता? नहीं नहीं माता, खाना तो बाद में खाएंगे। आप माता का वेट कर रहे हो कि खाना का वेट कर रहे हो? माता की। जितनी भी नानियां दिख रही है ना, सब माता का वेट कर रही है, सिर्फ मौसी एक है, मेरी सोनी मौसी, जो कि खाने का वेट कर रही है। और पीहू भी, इसका नाम है पीहू। बहन मेरे को मार डालेगी क्या तू? आप माता के लिए वेट कर रही हो कि खाने के लिए? माता की पहले खाना पीने का बाद में। अच्छा नानी, आप खाने के लिए वेट कर रहे हो या फिर माता के लिए? अच्छा माता के लिए। अच्छा अच्छा, आप खाने के लिए वेट कर रहे हो कि माता के लिए? माता के लिए। आप माता के लिए वेट कर रहे हो कि खाने के लिए? माता के लिए। नानी, आप माता का वेट करना छो या खाना का? खाना का, माता का। इसको मैडम जी को पानी चाहिए, इसको प्यास लगी हुई है। और तू किसका वेट कर रहा है, खाने का या माता का? मैं रात का वेट कर रहा हूँ। चलिए उनसे पूछते हैं कि वो माता का वेट कर रहे हैं या फिर खाने का। पता, चलो ऊपर चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये पत्थर की सीढ़ियां हैं, कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ है यहाँ पर। देखिए मिट्टी का घर है, लकड़ी के दरवाजे और चौखट है। देखिए कितना ऑर्गेनिक पन होता है गाँव में। आप खाने का वेट कर रहे हो कि माता का? माता का वेट कर रहे हैं, हम खाने का वेट नहीं कर रहे अभी। सोनी मौसी तो खाने का वेट कर रही है। खाना कौन खाएगा? नाना, तुम खाने का वेट कर रहे हो छोवा कि माता का? अच्छा पानी दे दो। नाना जी, तुम खाना का वेट करना छोवा कि माता का?
अच्छा माता का, देखिए कितनी कितनी भक्ति है यहाँ के लोगों में। और एक सोनी मौसी है जिनमें कुछ भी भक्ति भाव है ही नहीं। नाना आप किसका वेट कर रहे हो? मैं दाल का। इनकी ड्यूटी लगी हुई है दाल बनाने के लिए, तो ये दाल का वेट कर रहे हैं। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, गाइस अभी हमारा प्लान बन रहा है कि थोड़ा आगे जाकर बताऊंगी आपको क्या प्लान बन रहा है हमारा। हाँ तो गाइज हमारा प्लान बन रहा है कि हम चुपके से घर जाएंगे और फिर रू अफजा बनाएंगे और फिर सीक्रेटली पी भी जाएंगे, है ना पीहू? यस। और मेरे दादा से कैसे? अच्छा ठीक है, नॉर्मल नहीं बनाना हमने, गिलासों में चीनी भर के रू अफजा डाल के तब बनाना है हमने। हाँ अभी बंद नहीं कर सकते गाइस। बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि तू अभी तक गांव में ही है, गवाड़ा में ही है, वेल नहीं भाई, मैं रिखाड़ आ चुकी हूँ यानी अपने मम्मी के गांव। सो हाँ ये जो पूजा है, ये जो दीप्ते नाचेंगे और ये जो जागर लगेगा, ये सारा मम्मी के गांव में होगा, ठीक है, गवाड़ा में नहीं होगा, मम्मी के गांव में होगा, रिखाड़ में होगा। तो मेरा टास्क है गिलास निकालना और अंश का टास्क है रू अफजा ढूंढना, क्योंकि उसे पता है कि रू अफजा कहाँ है। तो चलिए ढूंढते हैं गिलास, लाइट खोल देते हैं। ये रहे हमारे गिलास, चलिए। हमने पीना पूरा उसको फिनिश कर। गाइस हमने रू अफजा पी लिया है और गाइस हमने रू अफजा पी लिया है और अब हमारे दीप्ते भी आने वाले हैं, तो चलिए जल्दी चलते हैं। वो रहे हमारे दीप्ते जो आ रहे हैं। मम्मी और कहाँ है? हमारे ये जो दीप्ते हैं वो ऊपर वाले मंदिर में जाएंगे। गाइस यहाँ पर मैं गलत हूँ, आज जो दीप्ते आएंगे वो इसी जगह आएंगे, ना कि उस मंदिर में जो कि ऊपर है। सो यस यहीं पर ही आने वाले हैं दीप्ते। अब आपको ऊपर वाला मंदिर भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन नंगे पैर जाना पड़ेगा, नंगे पैर नहीं जा पाऊंगी मैं, सॉरी गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अरे मैं चप्पल उतार के जाऊं? तू मत आ। Yeah.
ये जो हरी साड़ी में नानी बैठी हुई है इन पे दीवा आती है और बेसिकली ये दीवा की पूजा है तो दीवा तो आनी चाहिए। और ये जो रेड टी शर्ट में है वो मेरे कुलदीप मामा है, इन पे भैरव आता है। और ये जो नाना खड़े हैं ट्रैक सूट पहन करके ऑरेंज और ब्लू कलर का, उन पे निरंकार आता है।